राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं संगीता शर्मा भक्ति भजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो भक्तों, आज की वीडियो है जनवरी में जो नए साल के बाद जो आएगी पहली एकादशी, जो पुत्रदा एकादशी है। साल में दो पुत्रदा एकादशी होती हैं। तो ये है जो जनवरी में 13 जनवरी को पुत्रदा एकादशी है। तो आज की वीडियो उसी के ऊपर है। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। तो भक्तों, ये मैंने कुछ पुष्प ले लिए हैं और मैं पुष्प का दे दूंगी आसन, जिन पे बिठाएंगे हम विष्णु भगवान को और लड्डू गोपाल जी को और ये हो गया गणेश जी का। तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है, तो हमने ये गणेश जी को आसन दे दिया है और अब हम रख देंगे गणेश जी की मूर्ति और ये रख देंगे हम विष्णु भगवान जी की। थोड़ा थोड़ा स्नान करा देंगे, पहले पुष्प में हमने जल लगा लिया है तो स्नान करा देंगे और स्नान करने के बाद हम इनको पोंछ देंगे टॉवल से। और फिर अब हम अपने लड्डू बाबू को भी बिठा लेंगे। तो ये हमारे लड्डू बाबू बैठे हैं, इनको मैंने स्नान करा दिया है, वस्त्र भी पहना दिए हैं। अब हम चढ़ा देंगे जनेऊ गणेश भगवान जी को। तो ये हमने जनेऊ चढ़ा दिया है और चढ़ा देंगे हम कलावा। अब चढ़ा देंगे हम विष्णु भगवान जी को। चढ़ा देंगे हम वस्त्र रूपी कलावा। अब लगा देंगे हम चंदन का तिलक विष्णु भगवान को और विष्णु भगवान को भी। और लड्डू गोपाल जी को भी और लक्ष्मी माता को हम लगाएंगे रोली का तिलक। गणेश भगवान जी को और विष्णु भगवान जी को भी चढ़ा देंगे और लड्डू बाबू को भी चढ़ा देंगे पुष्प। के बाद रख देंगे हम भोग गणेश भगवान जी को। एक रखेंगे हम अपने लड्डू बाबू को और विष्णु भगवान को हम इसमें डाल देंगे हम तुलसी पत्र। तो हमने इसमें तुलसी पत्ता डाल दिया है। देंगे हम अपने लड्डू बाबू को और विष्णु भगवान को इसमें हमने डाल दिया तुलसी पत्ता और एक एक तुलसी पत्ता हम चढ़ा देंगे लड्डू गोपाल जी को और विष्णु भगवान जी को। थोड़े से हम तिल ले लेंगे, तिल अर्पण कर देंगे। भक्तों, ऐसी मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि व्रत पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। संतान का वरदान प्राप्त होता है और दोनों पक्षों कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11वें दिन एकादशी के रूप में मनाई जाती है।
पुत्रदा एकादशी साल में दो बार आती है, पहली पौष के महीने में और दूसरी सावन महीने में आती है। अब चढ़ा देंगे हम गुलाल और अबीर चढ़ा देंगे। गुलाल और अबीर है तो भगवान के चरणों में हम अर्पण कर देंगे। ऐसे ही हम गणेश जी को भी चरणों में अर्पण कर देंगे, गुलाल और अबीर और लड्डू गोपाल जी को भी। और भक्तों ये काशी महात्म की बुक है तो इनको भी हम इस पे भी हम लगा देंगे तिलक और पुष्प। थोड़े से हम तिल अर्पण कर देंगे क्योंकि उस एकादशी पे चावलों का यूज नहीं होता तो हम तिल का यूज करेंगे अक्षत की जगह। अब चढ़ा देंगे थोड़े से पुष्प। हमने ये पुष्प अर्पण कर दिए हैं और अब हम जला लेंगे दीपक। हमने ये दीपक जला लिया है तो एक दीपक जला के रख देंगे। तो भक्तों ऐसा माना जाता है कि पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि व्रत से पूजा करने और व्रत रखने से पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होती है। इस व्रत को करने वाले जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहती है उसके ऊपर और मनोकामना भी पूरी होती है। जो लोग साल में दो बार यह व्रत रखते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है और उनकी संतान को सेहत का वरदान प्राप्त होता है। और भक्तों जो ये व्रत करते हैं उसे व्रत का जैसे कि एकादशी के व्रत के नियम दसवीं तिथि से ही लागू हो जाते हैं, इसलिए दसवीं के दिन से ही आप अगर प्याज लहसुन खाते हैं तो आप दसवीं वाले दिन ना खाएं, धारण करें। अगर एकादशी व्रत करना है तो दसवीं के दिन सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लें। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके और इस दिन गंगा स्नान का भी नियम है। अगर आप गंगा जी में स्नान कर सकते हैं, आपके लिए पॉसिबल है तो आप कर सकते हैं, वरना आप नहाने के पानी में ही गंगा जल मिला लें और फिर स्नान कर लें। भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु की विधिवत से पूजन करना उस दिन उन्हें धूप दीप पुष्प अक्षत रोली फूल माला और नैवेद्य अर्पित करें। जैसे कि मैंने आपको दिखाया ये पूजा करके आप इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद आपको कथा भी करनी है तो एकादशी की ये जो महात्म की बुक है मेरे पास, ऐसी महात्म की बुक आती है तो हम हाथ में ले लेंगे थोड़े से पुष्प और थोड़े से हम तिल ले लेंगे। उसके बाद हम करेंगे कथा और कथा के बाद करनी है हमें आरती। तो हमने ये थोड़े से पुष्प ले लिए और थोड़े से ले लिए तिल और अब निकालेंगे एकादशी महात्म की जो बुक है जो पुत्रदा एकादशी है। वो तो ये है पौष शुक्ल पुत्रदा एकादशी की कथा। तो आप उसके बाद ये कथा कर लें। तो उसके बाद हम ये कथा कर लेंगे। उसके बाद जो हमने ये पुष्प और तिल लिए हैं भगवान विष्णु के चरणों में कर देंगे अर्पण। और उसके बाद करेंगे हम सबसे पहले हम गणेश जी की आरती कर लेंगे। उसके बाद कर लेंगे विष्णु भगवान की आरती। तो हमारी आरती भी हो चुकी है, अब भक्ति दे देंगे। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।